ये हम जा रहे हैं साइट की जाने, तो ये सामने टेलीकॉम टावर है और ये इलेक्ट्रिसिटी के टावर है। Take the next left, then your destination will be on the left. तो दोस्तों साइट पे पहुंच चुका हूँ और साइट आज सहरा में लगी हुई है। आपको दिखाते हैं साइट पूरी। तो बाकी ये है कि यहाँ पे ख्याल भी रखना पड़ता है, अक्सर साइटों पे सांप भी होते हैं सहरा की वजह से। इस वजह से ही जो है ना प्रॉपर जो पीपी टूल है वो रिक्वायर होता है हमें, और पीपी पे इसलिए जो है ना सख्ती बहुत की हुई है हुवावे ने। अक्सर देखना भी पड़ता है कि रेत जहाँ ज़्यादा हो ना उधर गाड़ी जो है ना पार्क नहीं करते, उतारता नहीं हूँ गाड़ी, क्योंकि अक्सर गाड़ी जो है ना फंस जाती है अगर रेत ज़्यादा हो। और एक दफ़ा फंसी भी थी गाड़ी, तो वहाँ से फिर दो सऊदी गुजर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने मेरी मदद की, गाड़ी निकाली मेरी वहाँ से, तो पहुँच गए साइट पे। तो बाकी आज आपको सारी ट्रेनिंग देंगे इस चीज़ की, यहाँ पे इक्विपमेंट कौन सा है। यूजली ये जो हमारी साइट है ये एलडीएन साइट है, तो यहाँ पे जो जो सा इक्विपमेंट लगा हुआ है उसके बारे में आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं इस साइट पर आया हूँ, तो आप मेरे पीछे ये टावर देख रहे हैं, और ये जो साइट है इसको हम कहते हैं एलडीएन साइट, विच इज़ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन साइट, और इसको हम जीएसएम साइट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा बीटीएस भी लगा हुआ है। और इसके अलावा हम इसे फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क साइट भी कहते हैं, फोन साइट, क्योंकि यहाँ हमारा ओएसएन भी लगा हुआ है, हमारा डीडब्ल्यूडीएम भी लगा है, हमारी फाइबर लगी हुई है, तो यहाँ पर माइक्रोवेव भी लगा हुआ है। तो इस साइट को आप तीन तरह की टर्मिनोलॉजीज दे सकते हैं, एलडीएन साइट, फोन साइट्स एंड जीएसएम साइट। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर इक्विपमेंट जो लगा हुआ है वो नोकिया और ओएसएन डीडब्ल्यूडीएम हुआवे लगा हुआ है। नोकिया के दो तरह के यहाँ पे पीएसएस हैं, एक पीएसएस 16 है और एक पीएसएस 32 है, और ओएसएन जो यहाँ पे लगा हुआ है वो 8800 सीरीज़ का लगा हुआ है। ओएसएन दरअसल ओएसएन हुआवे जो है वो इसका हुआवे का डीडब्ल्यूडीएम भी कहलाता है, और नोकिया का डीडब्ल्यूडीएम मैं आपको बता ही चुका हूँ। और कुछ दोस्त मुझे ये पूछते हैं कि आप लॉगिन क्यों नहीं करके दिखाते, आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों दिखाते हैं। लॉगिन करने की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है कि जब नई साइट इंस्टॉल की हो, फिर उसकी कमिशनिंग करनी हो, तो उस टाइम हम लॉगिन करते हैं, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स पर अभी काम नहीं किया है, मैं जो है यहाँ पे मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट पे हूँ। मेंटेनेंस में तो अगर हमने जाके स्नैक्स चेक करने होते हैं कि साइट पे कोई इशू है या नहीं है, इस वजह से वहाँ हमें लॉगिन की ज़रूरत पेश नहीं आती। इन केस के अगर कोई ट्रबल शूट आ जाए, कोई कार्ड फॉल्टी हो जाए, हमने नया कार्ड लगाना है और उस कार्ड को फिर कन्फिगर करना है, या फिर हमने बैक एंड को सपोर्ट देनी है, बैक एंड को हमने रिमोट लॉगिन देना है, उस वक्त तो हम लॉगिन करते हैं। और उस लॉगिन करने का तरीकाकार मेरे पास सारा पीडीएफ फाइल्स में है, मेरे पास पीपीटी फाइल्स उसकी बनी हुई है, किसी दोस्त को चाहिए तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर ही मैं लॉगिन करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन इसके अलावा हमें लॉगिन करना अलाउ नहीं है जब तक कि ज़रूरत ना हो। तो मैंने उसके नोट्स तो बनाए हुए हैं, जिस दोस्त को चाहिए वो किस तरह उसमें हम आईपी पुट करते हैं और उसके बाद जो है उसका वर्जन सेलेक्ट करते हैं, प्रोटोकॉल वर्जन IPv4, IPv6, और उसको लॉगिन करने के बाद हम जिस तरह अलार्म्स के स्टेटस चेक करते हैं, वो सब मैंने उसमें दिया हुआ है। और मेन चीज़ जो आपको यहाँ पे दिखानी है वो इसके कार्ड हैं DWDM के, जिसमें से एक हमारा इक्विपमेंट कंट्रोलर कार्ड है, तो दूसरा हमारा एम्पलीफायर कार्ड है। और कभी ये इक्विपमेंट कंट्रोलर कार्ड जो होता है ना ये फॉल्टी हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि नया कार्ड इसकी जगह इंस्टॉल करके, और वहाँ पर नए कार्ड को इंस्टॉल करने के बाद हम उसमें लॉगिन करते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ दो कार्ड लगे होते हैं, एक इक्विपमेंट कंट्रोलर EC1 स्लॉट पर होता है और एक इक्विपमेंट कंट्रोलर 18 स्लॉट पर होता है EC18, और एक मेन पर होता है तो दूसरा स्टैंड बाई पर होता है। अक्सर ये होता है कि अगर एक हमारा फॉल्टी हो जाए तो हम उसे क्या करते हैं कि अपनी ट्रैफिक वहाँ से EC18 पर शिफ्ट करते हैं जो स्टैंड बाई पर होता है, फिर हम उसे मेन बना देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे DWDM के कार्ड्स भी दिखाऊंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, और इंटरव्यू में तो लाजमी पूछे जाते हैं DWDM के कार्ड्स का बताएं कितने किस्म के होते हैं। तो आपने सिर्फ उन्हें यह बताना है कि DWDM के दो कार्ड्स होते हैं, एक इक्विपमेंट कंट्रोलर EC कार्ड होता है जिसमें से एक मेन और एक स्टैंड बाई होता है, एक एम्पलीफायर कार्ड होता है, और फिर इक्विपमेंट कंट्रोलर कार्ड में जो उसकी पोर्ट्स होती हैं उनका एक फंक्शन होता है, जैसे कि कौन सी पोर्ट है उसमें, एक CIT पोर्ट है, एक ऑक्सिलरी पोर्ट है,
लॉगिन किससे करते हैं, लॉगिन करने के लिए हम CIT कोड यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं साइट की जानिब, और आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आप लोग DWDM सीख रहे हैं, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन पे हम लोग यूज़ करते हैं और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होती है साइट पे। सो फ्रेंड, ये जो है हमारे पास DWDM है, और जैसे आपको इसका पता है ये लॉन्ग हॉल ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होता है, और 100G से लेकर 200G डाटा तक इसकी कैपेसिटी होती है, और इसकी कुछ आपको मेन और एक्सटेंशन स्लॉट्स समझने की ज़रूरत है। और जो इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है इसके कार्ड्स कौन से होते हैं, मेनली इसमें दो कार्ड्स होते हैं, और वो कार्ड्स किस स्लॉट में लगते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखें, जैसे ये हमारी फर्स्ट स्लॉट है, फर्स्ट स्लॉट में हमारे पास जो कार्ड लगा होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं इक्विपमेंट कंट्रोलर कार्ड। इक्विपमेंट कंट्रोलर कार्ड में हमारे पास टोटल 4 पोर्ट्स होती हैं, CIT पोर्ट, ऑक्सिलरी पोर्ट, ES1 और ES2, ठीक है। और लॉगिन के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं, ये CIT पोर्ट हम लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं। ये अगर आपसे पूछा जाए तो लॉगिन के लिए कौन सी पोर्ट यूज़ होगी, तो CIT पोर्ट यूज़ होगी। तो EC1 के बाद जो आगे हमारे पास एक कार्ड होता है वो एम्पलीफायर कार्ड होता है, ये जैसे हमारे पास ये पावर एम्पलीफायर कार्ड है, और इससे आगे हमारे पास जो है इसकी मेन और एक्सटेंशन स्लॉट्स होती हैं। तो इसकी एक मेन स्लॉट है और बाकी सारी एक्सटेंशन स्लॉट्स होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो इक्विपमेंट कंट्रोलर कार्ड होते हैं वो टोटल 2 होते हैं, जैसे कि एक मैंने यहाँ EC1 पे और दूसरा ये हमारा EC18 पर होता है। और जो EC18 पर होता है ये हमने इसलिए लगाया होता है कि एक मेन है तो दूसरा स्टैंड बाई है, जब भी कोई इशू आएगा कि EC1 फॉल्टी हो जाएगा तो आपकी ट्रैफिक EC18 पर शिफ्ट कर दी जाएगी। और इसके अलावा इन केबल्स का जो फंक्शन है ये आपको पता होना चाहिए, ES1, ES2, यहाँ पे भी ES1, ये देखें 1 और 2। तो ये किससे कनेक्ट होती हैं हमारी, ये हमारी इस शेल्फ के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है, और ये क्रॉस कनेक्ट होती हैं, जैसे कि ये हमारे पास ES1 है, ठीक है, तो ये किससे कनेक्ट होगी, इसकी ES2 के साथ, ठीक है। इस तरह जो ये ES2 है ये किससे कनेक्ट होगी, इसकी नीचे इस शेल्फ के साथ। तो इस तरह ये आपस में एक दूसरे को कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और इसकी एक चैनल कैपेसिटी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारे पास SPD होती है, क्या आप देख रहे हैं SPD, तो उस SPD में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ये चैनल्स आगे कनेक्ट हैं, ये आगे कनेक्टिविटी दे रहे हैं, और इनकी हमने नंबरिंग दी हुई है कि कौन सा चैनल किससे कनेक्ट है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लेबल से आपको पता लग जाता है कि आप जो चैनल है, जैसे 9350 के साथ ये स्लॉट कनेक्ट है, ये 9350 के साथ ये स्लॉट कनेक्ट है, तो 9350 आप चैनल देखेंगे कि किस जगह पर है। तो ये यहाँ पर ही आप इसको जज करेंगे, ये मुख्तलिफ देखें यहाँ पे लगी हुई है 917, 9180 और 9350, ये है इसकी कनेक्टिविटी इधर भी हुई है इसके साथ, तो ये इसकी SPD है, और ये 1830 PSS 32 है, और जो नीचे लगा हुआ है वो आप देख रहे हैं, ये जो हमने लगाया हुआ है DWDM, ये PSS 16 है, ये इसका फिल्टर है जिसको साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है अक्सर। और इसके ऊपर OAMP पोर्ट भी होती है, जिससे आप कोई बिजनेस कस्टमर को कनेक्टिविटी दे सकते हैं, ये पोर्ट्स आप देख रहे हैं।
तो इसका मैं अब आपको ODF दिखाता हूँ। ये इसका ODF है जो ये लगा हुआ है, 96 का मल्टीप्लेक्सर है, देखें 1 से लेके 96, ये देखें, क्योंकि DWDM और डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक पे वर्क करता है, जिसकी वजह से हमें मल्टीप्लेक्सर लगाने की जरूरत पड़ती है। इसमें ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम है ये, तो आप इसको देख सकते हैं गौर से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी, और इसको लॉगिन कैसे करते हैं वो भी सारा डाटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।